मेरे बाबू ने थाना थाया, हाँ बेबी खा लिया। मेरे बाबू ने पानी पिया, हाँ बेबी पी लिया। मुझे नहीं पिलाया आपने, अभी पिला देती हूँ बेबी। ओए बेबी के बाबू, लड़ाई होने वाली है, जल्दी आ। क्या बात कर रहा है? सच्चे में भाई जल्दी आ। अरे बाबू कहाँ जा रहे हो मुझे? अरे छोड़ना, तेरी जैसी बहुत आती है, दोस्त की लड़ाई होने वाली है, जल्दी आ पीछे। वह हमारी चिरांत कहाँ गई आज? भाई चले गए होंगे खाना वाना खाने। ओ प्रतोष भाई, लड़ाई होने वाली, चल। किससे होगी? अरे पता नहीं, होने वाली है किसी से। आज ठुकेगा भाई कोई। क्या हुआ, यहाँ क्यों रुका है? बंदे कहाँ है? ये देख। अबे किससे होने वाली है, बंदे कहाँ है? ये देखना, चप्पल उल्टी पड़ी है। चप्पल उल्टी पड़ी है तो? अरे तो मेरे भाई वो बड़े बूढ़े कहते हैं ना, चप्पल उल्टी पड़ी होती है तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, इसलिए तो मैंने बोला कि लड़ाई होने वाली है। अबे साले, अबे तेरी तो। एक पास्ता, एक चिली पोटैटो, थोड़ा जल्दी लगा देना। ओके सर। एक्सक्यूज मी। यस मैम। चाउमीन कर दो और बर्गर, ओरियो शेक भी, जल्दी करना थोड़ा। थोड़ा जल्दी कर दो यार, लेट हो रहा है। सर बस दो मिनट और, आप ही का ऑर्डर हो रहा है। अरे वेटर कितना टाइम लगेगा? मैम दो मिनट और दीजिए, आपका ऑर्डर लेके आ रहा हूँ। बहुत टाइम लगा रहा है यार ये तो, मुझे लग रहा है लेट करेगा। थोड़ा जल्दी ले आओ, बहुत टाइम हो गया। बस हो गया मैम, दो मिनट और। सर बस दो मिनट और। भाई कितना टाइम लगेगा? सर बस एक मिनट। आप लोगों की जल्दी के चक्कर में किसी का नुकसान हो गया, उसकी इतनी सैलरी नहीं है जितना वो अपनी बीमारी में लगा देगा। जल्दीबाजी में खोलता हुआ तेल उसके पैरों पर गिर गया। आप कस्टमर्स लोगों को हमेशा जल्दी लगी रहती है। अरे अच्छे घर से आते हो, पढ़े लिखे लोगों, थोड़ा समझदारी से काम लो। अगली बार से इन सब बातों का ध्यान रखना और कभी भी जल्दीबाजी मत करना, बेहतर होगा आपके लिए भी और सबके लिए भी। अरे रवि भाई, टी शर्ट बढ़िया लग रही है, कौन से ब्रांड से ली है? अरे काम है, महंगे कपड़े पहनता हूँ, ब्रांड तो तू ही पहनता है। मेरे को भी लेनी है, दिलवा। मैं तो इधर ही छोटी मोटी दुकान से ले लेता हूँ बस। अरे भाई ले लूंगा मैं, चल चल भाई साथ। हाँ रवि भाई, क्या सेवा करें? इसको दिखाओ यार कुछ बढ़िया सा। ये देखो, ये है नया, ये नई पीस है, एकदम नया माल आया है। भाई तू कहाँ लेकर आ गया यार, पसंद नहीं आ रहा कुछ? मैंने तेरे को पहले ही बोला था, तू कहाँ सस्ते कपड़े पहनेगा, और वैसे भी कहाँ टुच्ची सी दुकान में तेरे को कपड़े खरीदने। अरे भाई नाराज क्यों हो रहे हो, मेरे पास और भी अच्छे पीस है, मैं वो दिखाता हूँ। कोई नहीं जैक्सन भाई, लोगों में पैसों का गुरूर ही इतना होता है तभी लोग ऐसा करते हैं। ब्रांड वो नहीं जिसे पहनकर तुझे लोगों को बताना पड़े कि ये ब्रांड है। तू खुद से कुछ ऐसा कर कि तू ब्रांड बने और ब्रांड चलकर तेरे पास आए, ना कि तुझे ब्रांड के पास चलकर जाना पड़े। और हाँ, अगर तूने ब्रांड पहन भी लिया ना तो लोग कॉपी समझकर तेरे ऊपर हंसने लगेंगे, समझा? मजा आ गया ना? और ये तेरी स्कूटी पे क्या कर रहा है, शक्ल से तो चोर लग रहा है। यार ऐसे नहीं बोलते किसी को। चुरा के ले जाएगा। सॉरी भाई मैं तो बस देख रहा था। कोई बात नहीं, एक काम करो, आप आगे से एक राउंड मार के आ जाओ। पक्का? चोरी करके ले गया तो? बेचारा एक राउंड मार निकली तो कह रहा है। अरे अरे भैया वहीं से मोड़ लो, आगे से मुड़ जाओ। कहाँ जा रहे हो आप? अरे कहाँ लेके जा रहे हो भैया? स्कूटी ले गया। यार एक ही स्कूटी थी मेरे पास, अपनी मेहनत से ली थी, वो भी ले गया। मैंने तेरे को समझाया था, अब तू ही नहीं समझी, तेरे अंदर तो इंसानियत जाग गई। तेरे अंदर इंसानियत है वो मैं समझ रहा हूँ, पर ये जमाना ही ऐसा हो गया है कि अगर तू किसी को इंसानियत दिखाएगी तो वो तेरे साथ ही गलत करेगा। अब एक काम करते हैं, पुलिस थाने में जाके कंप्लेंट कराते हैं। सोनी यहाँ से गाड़ी हटाया, तुझे दिक्कत क्या है? मैं लगाता हूँ रोज गाड़ी यहाँ पे, चल गाड़ी हटा। कोई दिक्कत, ये यहीं लगी, पता क्या कर लेगा? पैसे की जोर दिखा रहा क्या ज्यादा यहाँ पे? अच्छा ये ले, ये दे दे। ओ भाई क्या कर रहे हो? तू कौन, तू कौन साले, तू है, तू बता कौन है तू? यही प्रॉब्लम है तुम जैसे लोगों की, जब कोई तीसरा तुम्हें छुड़ाने के लिए आता है तुम उसके ऊपर ही हावी हो जाते हो। अरे मैं तो तुम्हें यहाँ छुड़ाने के लिए आया हूँ, बात सिर्फ गाड़ी की है, तुम अपनी गाड़ी वहाँ भी तो लगा सकते हो, बच्चों की तरह लड़ रहे हो यार। अगर गलती से तुम दोनों को कुछ हो गया तो पछतावा तो घर वालों को होगा ना, बात सिर्फ जरा सी होती है और पछतावा जिंदगी भर के लिए हो जाता है। जब कोई तीसरा तुम्हें छुड़ाने के लिए आता है ना तो उसकी बात को समझो, और अब जितना जल्दी हो सके इस बात को समझो और अप्लाई करो। ये बात तुम लोगों के लिए नहीं, बाकी सब लोगों के लिए भी अप्लाई होती है। हेलो, शादी नहीं करेगी ना तो काट दूंगा उसको, मैं पेमेंट करवा दूंगा, वो भी काट दूंगा। ओके बाय। ठीक है, क्या हो गया?
सही है ना? चल ठीक है। तू दिल तोड़ रही है, चक्कू मार दूंगा। वानी मेरे को शादी करनी है तेरे से। आजा आजा बाहर आजा आजा लग जाएगी आजा। शादी नहीं करेगी ना मेरे से तो काट दूंगा। ये क्या कर रहा है तू उसके साथ? हाँ तेरे जैसे लड़के समाज में कीड़े की तरह है, जो सिर्फ दरिंदगी करते हैं, वो भी लड़कियों के साथ। तेरे जैसे लड़कों को ना बीच चौराहे में नंगा करके मार देना चाहिए। बेबी देखो कितना बड़ा मॉल है, सुना है यहाँ का बर्गर बहुत टेस्टी है, चलो खाने चलते हैं। हाँ बिल्कुल चलते हैं, एक मिनट में कॉल करके आ रहा हूँ। चले रवि मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो कुछ खा लो ठीक हो जाएगा। नहीं कुछ नहीं खाना है, चलो यहाँ से। चलो अभी डॉक्टर के पास चल रहे हैं। तुम तो अंदर बीमार हो गई थी। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आप मुझे सच भी बता सकते हो ना? मतलब यार कुछ पैसे हो सकते हैं क्या? थोड़ा जरूरी है। सॉरी भाई यार मेरे पास पैसे नहीं। आपके पास पैसे नहीं है और आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने आपसे एक वादा करा था, मैं हमेशा आपको खुश रखूंगा और आपकी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। आप मेरे साथ देते हो, आप मेरे साथ रहते हो, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। शायद आपकी जगह कोई और लड़की होती तो वो ये सब नहीं समझ पाती। चुप पागल, चलो। टेंशन ना लेना भाई जान, एकदम बढ़िया बनेगा। एकदम बढ़िया से बना देना। मास्टर रवि नाम है हमारा, पूरे कॉलोनी में किसी से भी पूछ लेना। अच्छा ये बताओ हमारी पैंट शर्ट कब तक दोगे? अरे भैया बोर्ड ना देखा क्या? हमारा मास्टर रवि लेडीज के सूट सिलाई एकदम बढ़िया चकाचक। तो इसका क्या पेटीकोट सिल दोगे क्या? तुम्हारा बढ़िया बनेगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? पेटीकोट ब्लाउज का नाम मस्त आ गया है। अरे मास्टर रवि तो पूरी कॉलोनी में फेमस है, यूट्यूब पे चैनल भी है, तुमने ना देखा क्या? भाई बहुत मस्त आएगा, भाभियां फेल हो जाएंगी। अरे मेरे भाई यार ले लिया कसम से यार ब्लाउज फिटिंग। तू क्या हंस रहा है? चला तेरा ही नाप ले लूं, आजा तेरा ही ब्लाउज बनाता हूं। सही है यार, मौसम कितना सही हो रहा है ना। सही भाई, वो गाड़ी देख कौन सी जा रही है। सही गाड़ी है यार, यही ले लेंगे। जी परितोष बात कर रहे हैं? हाँ जी मैडम। आपने फोन फाइनेंस कराया था, उसकी एक किस्त रह रही है। किस्त? मैडम मैंने तो सारी किस्त भर दी है। क्या हो गया भाई? मैंने सारी किस्त भर दी, बोल रही है आपकी किस्त रह रही है। अरे तू फोन काट, फ्रॉड कॉल हो सकती है। मैम ऐसा करो लिंक भेज दो आप मेरे को। सर अभी पेमेंट जी मैडम बस कर रहा हूँ मैं थोड़ी देर। तुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं है क्या? तूने उनसे लिंक मंगा लिया, जब तूने अपनी सारी किस्तें भर दी हैं, फिर दोबारा क्यों दे रहा है? रोक यार, क्या पता सही में किस्त रह रही हो, सिविल खराब हो जाएगा। मत मान भाई, कर ले। क्या हो गया भाई? इतनी तो किस्त नहीं थी, सारे पैसे उड़ गए बैंक से। तेरे को बोला था ना मत आने लोगों की बातों। जब तूने टाइम से अपनी सारी किस्तें भर दी है बिना किसी बाउंसिंग चार्ज के, तूने फिर भी इन लोगों को पैसे दे दिए। भाई ये लोग ना पूरे दिन बैठ करके ऐसे फ्रॉड कॉल करते हैं और तुम जैसे लोगों को फंसाते हैं। यार अब कुछ हो नहीं सकता क्या? अब अगर आगे से ऐसे फ्रॉड कॉल आए तो हम उसको इग्नोर करें, उनकी बातों में ना आए, समझा?